हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रचना और इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है 10 जनवरी और आज है सकट का त्यौहार, और आज के इस सकट के त्यौहार से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी मदद कोई भी नहीं करना चाहता, तो उसकी मदद करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। क्योंकि आज की कहानी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और इस ब्लॉग में आप पूरा बने रहिएगा आगे तक, क्योंकि इस ब्लॉग में लास्ट में आपको पूरी की पूरी कहानी भी सुनने को मिलेगी, और कैसे मनाया जाता है त्यौहार ये भी देखने को मिलेगा। कैसे हैं आप सब, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सकट का त्यौहार, और हर जगह पर शायद सकट का त्यौहार नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर यूपी में ना सकट का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इस त्यौहार को लेकर ना बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें से एक फेमस कहानी है जो कि सकट भगवान की है, जिसमें वो ना गरीब और अमीर इस तरीके से करके दिखाया गया है। और देवरानी जेठानी की वो एक कहानी है, और जिसमें ना जेठानी बहुत ज़्यादा गरीब होती है और देवरानी बहुत अमीर होती है। जेठानी उसके घर पर काम करती है, और फिर वो एक दिन ऐसे ही सकट भगवान की ना पूजा वगैरह करती है, और सकट भगवान आते हैं और उसको माला माल करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ब्लॉग में सुनाने बैठी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो हमारे यहाँ पर सकट का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इस चीज़ की। लेकिन ठंड में ना ट्रेडिशनल साड़ी वाड़ी पहनने का मेरा मन तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो जो पहनती हूँ घर में वही सब पहन रखा है मैंने, और अभी नीचे जाऊंगी। आज सासू माँ तो है नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं थी, तो वो आज दिल्ली गई हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो मैं और मेरी देवरानी ही इस त्यौहार को कर रहे हैं, तो उसकी भी कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाहर आपको कोहरा दिखाया था, बहुत ज़्यादा कोहरा है यार, बहुत ही ज़्यादा। कई दिन से ना यहाँ पर यूपी में बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, 12 बजे तक कोहरा रहता है, उसके बाद ही कम होता, धूप तो निकल ही नहीं रही कई दिन से। तो यार ऐसी ठंड में ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का मन नहीं करता, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है इस वाले ब्लॉग में, क्योंकि मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी है इन ठंडों में। बिल्कुल भी मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मेरे को साड़ी में। तो चलो नीचे चलते हैं, मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ जिसमें हम लोगों ने कैसे पूजा की, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। हमारे यहाँ पर ना हर तीज त्यौहार पर ना पैरों में महावर लगाने की परंपरा है, और मुझे ना सच में महावर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है लगाना पैरों में। अगर आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरीके की परंपरा है, आप लोगों के यहाँ पे भी पैरों में महावर लगाया जाता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ पे पैरों में महावर लगाया जाता है। मुझे तो ना महावर लगा के अपने पैर इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मन करता है कि ना अपने पैरों को मैं देखती ही रहूँ, और मुझे पहनने का भी ना मन नहीं करता ठंड में। और क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, और हमारे यहाँ पे ना इस तरीके से होता है कि जो घर के छोटे लोग होते हैं ना, वो बड़े लोगों के घर में पहले बड़े लोगों के पैरों में ही महावर लगाते हैं, और फिर अपने पैरों में महावर लगाते हैं। तो क्योंकि आज सासू माँ तो मेरी है नहीं, बुदली गई हैं डॉक्टर को दिखाने, तो मेरी ये जो देवरानी है निधि, इसने पहले मेरे पैरों में लगा दिया है महावर, और फिर अपने पैरों में लगाएगी। वरना सबसे पहले सासू माँ के पैरों में लगाते हैं, फिर मेरे पैर में, और फिर अपने पैरों में लगाती है। तो और ये जो महावर लगाने की डिब्बी है ना, जब से ये आई है ना, तब से ना महावर से हाथ गंदे भी नहीं होते, वरना पहले उंगलियों से ही महावर लगाया जाता था। तो अब इस तरीके की ये जो डिब्बी है मार्केट में मिल जाती है महावर की, इससे महावर लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और ना हाथ भी गंदे नहीं होते, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं ना जब हम, तो ये महावर का कलर हाथ में लग जाता है, और फिर रोटी पूड़ी वगैरह जो कुछ बनती है उसमें भी आ जाता है। तो इस तरीके से ना हम लोग महावर लगा लेते हैं, और ये जो हम ना महावर चारों तरफ से जोड़ के लगाते हैं ना पैर को, ये हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक लाइन पीर की होती है और एक लाइन ससुराल की, और जहाँ पे ये दोनों जुड़ती हैं ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आपस में ना पीर और ससुराल भी हमारा जुड़ा हुआ रहता है। तो जितना चौड़ा हमारे यहाँ पर महावर लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उतनी ही ज़्यादा ना अच्छा रिलेशन रहेगा पीर और ससुराल में किसी भी लड़की के। तो हम लोग तो भैया खूब चौड़ा चौड़ा महावर लगाते हैं, आप लोग कैसे लगाते हो ये भी कमेंट करके
मुझे ज़रूर बताना। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वाला ब्लॉग? पसंद तो आ ही रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग को आपने अब तक लाइक कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बाकी मैं इस ब्लॉग में भी आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों ने पूजा वगैरह की है और कैसे क्या क्या कहानी पढ़ी जाती है। आज सासू माँ नहीं है तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उनके बिना आज तक हमने कभी कोई पूजा नहीं की है, तो हम उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वरना हम तीनों लोग ही मिल के पूजा कर लेते हैं, लेकिन अब आज ठीक है, अब आज यही सही है क्योंकि अब आज नहीं है तो ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर ना इस वाले त्यौहार में ये जो आप देख रहे हो ना, पूड़ी रखी जाती है, और पूड़ी के ऊपर ये जो रखे हुए हैं ना, ये पुए नहीं हैं, ये हैं जलेबी वाले पुए। यानी कि जैसे कि जलेबी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाले पुए भी बनते हैं। और तिल और गुड़ वाली गजक रखी जाती है, चावल रखे जाते हैं थोड़ी सी पूजा करने के लिए, दिया जलता है, और इस तरीके से एक पत्थर के चक्रे पे ना हम सकट भगवान को काट लेते हैं। मतलब अब ऐसे तो ना नहीं कर पाते, लेकिन जैसे पॉसिबल होता है वैसे ही काट लेते हैं और मान लेते हैं कि यही सकट भगवान है, और फिर इन्हीं की हम पूजा करते हैं, कहानी पढ़ते हैं, जो कि अब मैं आपको सुनाती हूँ। देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम यानी चौका करते समय जेठानी किया करती थी। एक दिन सगर चौथ का त्यौहार आया, जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्यौहार है, थोड़े तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया, अथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वाले ने उसे बहुत मारा। आधी रात करीब सगर देवता आए। जेठानी को बेचारी भूखी प्यासी हो रही थी। सगर देवता ने कहा, ला मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो वो अभी रोटी है, तो खाओ खा लो। सकर देवता ने खा लिया। इसके बाद बोले कि सोच जाऊंगा, कहाँ जाऊँ। जेठानी ने कहा कि कर लो चारों को नहीं काट दी। सकर देवता ने ऐसा ही किया। सकर देवता ने कहा, पहुँचूँ किसे? जेठानी ने कहा, पहुँच लो मेरी ललाट से। सकर देवता ने ऐसा ही किया। सकर देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरा मोती सोना जवाहरात हो गए। जेठानी के माथे पे हीरे चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा, आज काम करने जेठानी नहीं आई, चलो चलकर देख। देवरानी ने कहा, ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई? जेठानी ने कहा कि अब मैं काम क्यों करूँ, मुझे तो सकर देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया था, कैसे खुश हुए सकर देवता? जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरे साल जब सकर चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया और अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो। रात को सकर देवता आए, उसने ऐसा ही किया। तो जेठानी जो कुछ भी जेठानी ने बताया था, सगर देवता ने चारों कोने पांचवी जलेबी में सोच कर ली और उसके ललाट से पहुंच ली। सुबह उठकर देखा तो मक्खी भी बना रही थी। तो देवरानी जेठानी से लड़ने लगी। जेठानी ने कहा, मैंने तो ना होते पैसे किया, तुमने तो होते पैसे किया। सगर नाराज जैसे जेठानी से कृपा करी, वैसे ही होते भी करना। फिर जब ये कहानी ख़त्म हो जाती है तो जो हमारे हाथ में चावल होते हैं वो हम इस सकट भगवान पे, इन सकट भगवान पे रख देते हैं, और हम इनको ना गजक से, जो कि तिल और गुड़ की बनी हुई होती है, उनसे हम इनको जमाते हैं। और ये जो हमारे जलेबी वाले पुए हैं इससे भी हम जमाते हैं, और ये जो पानी रखा है इससे भी हम इनको जमाते हैं। और फिर ये जो हमारा जल होता है इसको हम ऊपर सूर्य भगवान पे चढ़ा देते हैं, और फिर घर के बड़े लोगों के पैर छूते हैं, और इस तरीके से हमारा आज की सकट भगवान की पूजा पूरी हो जाती है। तो अब सासू माँ तो है नहीं, इसलिए निधि सबसे पहले मेरे ही पैर छू लेती है, और मैं उसको देती हूँ खूब सारे ढेर सारे आशीर्वाद, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो छोटों को आशीर्वाद देने का फर्ज हमारा बनता है। वैसे भी छोटे हमेशा खुश और सुखी रहने चाहिए। और ये हैं मेरे ददिया ससुर, जिनका मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। पापा जी अंदर लेटे हुए थे तो उनका आशीर्वाद उनके रूम में जाके ले आए थे। और यहाँ पे ना बच्चों का तो अभी तक दिन ही नहीं निकला है, ये देखो कैसे पड़े हुए हैं अभी तक रजाई में। यार बच्चों के ना मज़े ही मज़े हैं, ऐशी ऐश है। ठंड में आराम से पड़े रहो, जो कुछ चाहिए वो आवाज़ लगा के मम्मी वो बुला लो और ले लो। तो इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं शैतानी, और यहाँ पे हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया।